हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफके में एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान खान। आज की ये वीडियो तमाम HVAC टेक्नीशियंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें आज मैंने आप लोगों को बताना है कि आप किसी भी रेफ्रिजरेटर का कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर और फ्रीज़र यानी एवापोरेटर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, और वो भी सिंपल तरीके से। तो इस रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र और कंडेंसर मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और अभी मैंने इसके जो फ्रीज़र का बॉक्स है जिसके ऊपर कॉपर ट्यूब के लेंथ लपेटे हुए हैं वो मैंने आप लोगों को अभी दिखाना है, उसका साइज़ दिखाना है। सो पहले मैंने जो इंची टेप है उसको 3 फुट तक खोला है, और अभी इस फ्रीज़र बॉक्स के ऊपर जो कॉयल लपेटे हुए हैं, इसके लेंथ लपेटे हुए हैं, एक एक लेंथ को मैंने नापना है। सो ये आप लोग देख रहे हैं, पहला जो लेंथ है वो 3 फुट है। सो अभी हम टोटल लेंथ मालूम करेंगे कि कितने लेंथ इस फ्रीज़र के ऊपर जो है ना लपेटे गए हैं। सो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 जो है ये बराबर है, सो 9 ضرب 3 अगर आप करेंगे तो ये 27 फुट आ गया। और अभी इसको जब हम नापेंगे तो ये तकरीबन आ रहा है कुछ 3.5 फुट। ठीक है, आप इसको 4 फुट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 4 फुट और 27 फुट 31 फुट हो गया। या अगर हम आप लोगों को बता दें तो ये तकरीबन आ रहा है 2 फुट। ठीक है, 33 फुट हो गया, और ये एक और लेंथ है जो कि 2 फुट ये भी है। तो ये 35 फुट का जो टोटल लेंथ है, और जो सक्शन लाइन के लिए थोड़ा सा लाइन है इस एवापोरेटर का वो भी माप लेते हैं, वो भी 2 फुट है। तो ये तकरीबन टोटल लेंथ जो है 37 लेंथ बन जाता है। और अब जो रेफ्रिजरेटर के नीचे खाने वाला जो छोटा सा प्लेट है उसका जो लेंथ लगा हुआ है वो तकरीबन 8 फुट लगा हुआ है। तो अगर ये 8 फुट भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये टोटल 45 फीट का लेंथ आ जाता है। सेम इसी तरह कंडेंसर के हर यू बैंड के साथ जो सिंगल लेंथ लगा हुआ है वो है 1.25 फीट। अभी हम कंडेंसर के अंदर ये जो टोटल यू बैंड के लेंथ्स लगे हुए हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो 21 को मल्टीप्लाई करो 1.25 फीट यानी 1.75। सो ये आपके पास तकरीबन आता है 37 फीट। इसके बाद कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो कंडेंसर के अंदर लाइन जो है वो जाता है उसको भी माप लेते हैं, ताकि वो भी इसी लेंथ में हम इंक्लूड कर दें। सो ये आप देख लें, ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के साथ जो मिलता है ये तकरीबन 4 फीट है। सो ये भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 41 फीट। अब हम जो छोटा एक्सटेंशन हमने लगाया हुआ है 1/10 हॉर्स पावर का, ये माप लेते हैं। सो इसका जो सिंगल लेंथ है वो है 1.5 फीट। तो अब इस कंडेंसर के जो टोटल लेंथ है वो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो अब 11 लेंथ्स मल्टीप्लाइड बाई 1 लेंथ की लंबाई 1.5 फीट यानी 1.5 फीट है, तो ये आपके पास तकरीबन 17 फीट आ जाएगा। निचले वाला जो कंडेंसर है वो 41 फीट है, सो ये अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाए सो ये बन जाएगा तकरीबन 58 फीट का कंडेंसर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा जो हम फार्मूले से एक्सपेरिमेंटल चीज़ें निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास इवापोरेटर कॉयल और कंडेंसर कॉयल दोनों कॉपर के हों और दोनों सेम डाया का हो, ठीक है, तो उस सूरत में सरफेस एरिया दोनों का सेम रहेगा आपके पास, और इवापोरेटर और कंडेंसर के दरमियान में जो ट्यूबिंग की लेंथ है उसका जो रेशियो होगा वो 1:1.6 होगा, 1:1.6। यानी अगर एवापोरेटर आपके पास 10 फुट होगा तो उसको मल्टीप्लाई करें 1.6 1:6 में, तो कंडेंसर का जो लेंथ है वो आपके पास 16 फुट आएगा। इस तरह अगर एवापोरेटर का जो ट्यूब का लेंथ है वो 20 फुट होगा तो उसको 1:6 में मल्टीप्लाई करें तो 32 फुट आपके कंडेंसर का साइज़ आएगा यानी ट्यूब का लेंथ आएगा। फिर इसके बाद 30 फुट अगर आपके एवापोरेटर है तो 1.6 में मल्टीप्लाई करके वो 48 फुट आ जाएगा आपका कंडेंसर। अब सेम जो जो आप एवापोरेटर की ट्यूब का लेंथ आप बढ़ाएंगे तो साथ साथ कंडेंसर का लेंथ भी बढ़ेगा, और इसका मतलब यह है कि आपके कंप्रेसर का भी साइज़ जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर आपका जो एवापोरेटर कॉयल है वो एल्यूमिनियम का हो और उसका डाया 1/4 इंच हो, और कंडेंसर आपके पास लोहे वाला हो यानी आयरन वाला, और उसका डाया जो है वो 3/16 इंच हो,
तो फिर आपका जो इवापोरेटर और कंडेंसर की ट्यूबिंग का लेंथ होगा उसका रेशियो 1:1.8 होगा, यानी जितना आपका इवापोरेटर का लेंथ होगा उसके लेंथ में आप 1.8 को मल्टीप्लाई करें, सेम आपके पास कंडेंसर का साइज आएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें आपका जो सरफेस एरिया होगा दोनों इवापोरेटर और कंडेंसर का वो सेम होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर, अगर इवापोरेटर का कॉयल एल्यूमिनियम का हो और उसका डाया 1/4 हो, और कंडेंसर कॉयल कॉपर का हो और उसका डाया 3/16 हो, चाहे ये कंडेंसर बॉडी के अंदर हो यानी चादर के अंदर हो और या बॉडी के बाहर हो, लेकिन इस सूरत में इवापोरेटर और कंडेंसर का जो ट्यूबिंग का लेंथ का रेशियो होगा वो 1:1.5 होगा, ठीक है। यानी 10 फुट पे आपका जो कंडेंसर होगा वो 15 फुट होगा, 20 फुट इवापोरेटर के लिए आप कंडेंसर जो वो 30 फुट लगाएंगे, लेकिन शर्त ये होगा कि सरफेस एरिया दोनों कंडेंसर और इवापोरेटर का सेम होगा। अच्छा, एक ये चीज़ यहाँ पर अपने जहन में नोट कर लें कि ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर के कंडेंसरों के लिए है, डीप फ्रीज़र या एसी के कंडेंसरों के लिए नहीं है जो कि फ़ैन के ज़रिए से ठंडे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मैंने कंडेंसर लगाया हुआ है 58 फुट का, वो लगाया हुआ है 45 फुट के इवापोरेटर के लिए, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है, कम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडेंसर जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, एक 1/4 डाया का है और दूसरा 316 डाया का है। तो चूंकि 1/4 के कंडेंसर का डाया वैसे भी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने कंडेंसर थोड़ा सा शॉर्ट लगाया है। अगर ये पूरा 316 का ट्यूब होता तो हो सकता है कि मेरा जो कंडेंसर है वो 8-9 फुट और भी लंबा होता। अच्छा, ये जो कैपिलरी ट्यूब अभी मैं मायर कर रहा हूँ ये 0.34 की कैपिलरी ट्यूब है और इस रेफ्रिजरेटर में पुरानी लगी थी, और इसका जो लेंथ है वो 10 फुट है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो नई कैपिलरी ट्यूब इसकी लगानी है वो है 0.31, और इसका लेंथ हमने किस तरह रखना है, कभी भी हमने कैपिलरी ट्यूब को लेंथ के ज़रिए से एडजस्ट नहीं करनी है, हमने हमेशा कैपिलरी ट्यूब को प्रेशर ड्रॉप के ज़रिए से एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैपिलरी ट्यूब मैंने माप इसकी मेयरिंग करनी है और इसको तकरीबन मैंने कोई 16 फुट तक लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले मेयर करता हूँ, 2-2 फुट मैं इसको माप लेता हूँ। मैंने इसका 16 फुट का जो लेंथ है वो मैंने लेनी है, आप लोग अभी देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो फास्ट मोड पे चल रहा है ताकि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा सा कम बने, उसका साइज़ ज़्यादा ना हो। अभी ये तकरीबन मैंने 16 फीट का एक कैपिलरी जो है वो काट लिया है, ठीक है। सो अभी इसका मैं प्रेशर ड्रॉप जो है ना वो चेक करूँगा इसी रेफ्रिजरेटर के इसी कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस कैपिलरी ट्यूब को इस कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल करना है। तो इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर मैंने एक चार्जिंग पिन लगाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं चार्जिंग मैनिफोल्ड के ज़रिए से इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर से कंप्रेसर का प्रेशर गुजारूंगा, और इस पर मैंने तकरीबन 220 से 240 के दरमियान PSI में प्रेशर एडजस्ट करना है। अच्छा, चार्जिंग होज लगाने के बाद अभी गेज के वाल्व को अच्छी तरह से खोल के और अब हमने कंप्रेसर को ऑन करना है। आप लोग देखिए कंप्रेसर ऑन हो चुका है, और इस वक्त कैपिलरी ट्यूब का जो प्रेशर ड्रॉप है वो आप लोग गेज पर देख सकते हैं। हाई प्रेशर गेज पर कितना प्रेशर हो रहा है, ये हाई प्रेशर गेज पर इस वक्त जो कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर ड्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो ये तकरीबन 280 PSI तक है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमने कैपिलरी ट्यूब से 1 फुट का जो लेंथ है वो काटना है, और हमें पता चल जाएगा कि 1 फुट का लेंथ जब हम काटेंगे तो कितना प्रेशर ड्रॉप इसके साथ डाउन हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख लें, एक फुट का लेंथ मैं इसे काट लेता हूँ और फिर से मैं प्रेशर ड्रॉप चेक करता हूँ कि वो कितना डाउन हो जाता है। फिर से गेज देखते हैं एक नज़र, थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप कम हो चुका है और तकरीबन 275 तक आ चुका है। सो 1 फुट हमने कैपिलरी ट्यूब और काटनी है।
तो इसका मतलब कि टोटल 2 फुट की कैपिलरी हमने अभी तक काटी हुई है। अभी फिर से प्रेशर ड्रॉप चेक कर रहे हैं प्रेशर गेज पर, तो ये इस वक्त तकरीबन 255-260 तक प्रेशर ड्रॉप जो है वो शो हो रहा है। 1 फुट हम मज़ीद और काट लेते हैं। फिर से प्रेशर गेज को चेक कर लें और इस वक्त तकरीबन 240 PSI तक का प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो चुका है। थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप को और कम करने के लिए हम इसी कैपिलरी ट्यूब का 1 फुट लेंथ और काट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 16 फीट का लेंथ हमने पहले जो है वो लगाया हुआ था, अभी 4 फीट का लेंथ तकरीबन हम काट चुके हैं। और ये 4 फीट के लेंथ काटने के बाद अभी इस कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर ड्रॉप आप देख लें, तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है। और इस वक्त ये तकरीबन 230 PSI के आसपास, 230 या 232 PSI के आसपास प्रेशर जो है वो कम हो चुका है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस R134A के रेफ्रिजरेंट के लिए। याद रहे कि ये R134A के रेफ्रिजरेंट के लिए, हो सकता है कि R600A के रेफ्रिजरेंट के लिए थोड़ा सा इसका साइज़ कम हो सकता है, या अब जब आप R290 के लिए कैपिलरी ट्यूब का जो साइज़ सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो प्रेशर ड्रॉप है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसको मैं फास्ट मोड में वेल्ड करता हूँ ताकि वीडियो की साइज़ थोड़ी सी कम बने। तो अभी कैपिलरी ट्यूब को लगाने के बाद हम फ्रीज़र को, यानी इवेपोरेटर का जो कॉयल है, प्लेट है, इसको हम कैबिनेट के अंदर लगा लेते हैं। तो अभी सक्शन लाइन और जो कैपिलरी ट्यूब है ये दोनों रेफ्रिजरेटर के पीछे की तरफ निकाल कर उसको वहाँ पे ब्रेजिंग भी करते हैं ताकि वीडियो जो है वो कम से कम बने। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने रेफ्रिजरेटर का जो पिछला हिस्सा है उसका कवर लगा के पूरे रेफ्रिजरेटर का जो सर्किट है, मैकेनिकल सर्किट, वो हमने लगा दिया है। डिस्चार्ज का टांका, फिर सक्शन का टांका, फिल्टर ड्रायर, हमने सब कुछ लगाया है। अभी हमने इसको डबल स्टेज वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है। याद रहे ये एक स्टैंडर्ड टाइप का वैक्यूम पंप है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का जो कंज्यूम है उसको कम करना चाहते हैं, पावर कंजम्पशन, तो आप इसी वैक्यूम पंप को इस्तेमाल कर लिया करें। ये भी हमने वैक्यूम पंप को ऑन किया है और इस वक्त जो रेफ्रिजरेटर है वो डबल स्टेज वैक्यूम पंप से वैक्यूम हो रहा है। तो अभी हमने वैक्यूम के प्रोसेस को 20-25 मिनट तक जारी रखना है और जब ये पॉइंटर इस गेज का 0 तक पहुंच जाए तो फिर इस रेफ्रिजरेटर का जो वैक्यूम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मुख्तसर बताता चलूँ कि ये पुराना रेफ्रिजरेटर है जिसके हमने आप लोगों को सिर्फ इसका बताने का मकसद था कि फ्रीज़र और कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब को आप रिसाइज किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे वर्कशॉप में हमारे साथ और भी काफ़ी सारी अप्लाइंसेस है जो कि हमने आप लोगों को इस पर वीडियोज़ बना के देनी है। ये R410 में, R22, R600, R134, इसी तरह वाटर कूलर हैं हमारे पास, कंडेंसिंग यूनिट्स हैं और स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर्स हैं। इन सारी जो अप्लाइंसिस हैं इन पे हमने वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, और इस पर इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को पहुंचानी है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने हमें करना है सपोर्ट, और सपोर्ट यानी हमारी हर एक वीडियो का आपने लाइक करना है, साथ ही साथ आपने शेयर भी करना है अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। तो इस वक्त वैक्यूम कम्प्लीट हो चुका है, अभी हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्जिंग का जो है ना वो सिस्टम चालू करना है। तो पहले लो प्रेशर गेज के वाल्व को बंद कर लेते हैं, और अब हमने R134A का सिलेंडर ऑलरेडी इस रेफ्रिजरेटर के साथ लगा दिया है। तो पहले हम जो चार्जिंग हुज हमने सिलेंडर से लगाया हुआ है गेज मैनिफोल्ड के साथ, उसको पर्च कर दिया ताकि इससे हवा जो है वो बाहर निकल जाए।
अभी हम इस यूनिट के अंदर जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो तकरीबन 20 से 30 PSI तक रखते हैं, फिर उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर को चालू करेंगे। स्टैंडिंग प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे भी कभी कभार मसला हो सकता है। सो अभी आप देखें मैंने तकरीबन ये रखा हुआ है कोई 20 PSI का प्रेशर। सो अभी हमने रेफ्रिजरेटर को चालू कर दिया और अब इसका जो रनिंग एम्पेयर है वो भी देख सकेंगे। अब इसमें मैं जो रेफ्रिजरेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त वक्त से फिल करता हूँ, और एक बार जब इसमें मैं रेफ्रिजरेंट की मकदार बराबर कर दूँ तो उसके बाद आप देख सकेंगे कि जो एम्पेयर मीटर पर एम्पेयर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो गया। और ये कंप्रेसर जो कि जिसको हमने अच्छे वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दिया है, और इसमें रेफ्रिजरेंट हमने बिल्कुल ओरिजिनल USA का जो जेन्युइन रेफ्रिजरेंट है वो चार्ज कर दिया है, तो इस लिहाज से ये कंप्रेसर कम से कम कंजम्पशन करेगा पावर का। सो अभी आप देख रहे हैं मैं रेफ्रिजरेंट को इसमें बराबर कर रहा हूँ। मल्टीमीटर आप देख लें, सो ये 0.6 और 0.7 एम्पियर का करंट इस वक्त ले रहा है, और इस वक्त जब आप टाइम देखें तो ये तकरीबन 10 मिनट कम 5 बजे हैं शाम के, यानी असर के वक्त का। और थोड़ी देर बाद जब मैं घंटे डेढ़ घंटे के बाद आप लोगों को फिर दिखाऊंगा तो इसका मैं कूलिंग जो टेम्परेचर है वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ घड़ी का टाइम भी दिखाऊंगा कि कितने टाइम में इसने कितना टेम्परेचर जो है वो कैबिनेट का डाउन किया हुआ है। सो अभी आप लोग देख लें इसका जो स्प्रे की आवाज़ है इवापोरेटर के अंदर वो भी आप सुनेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ पर कूलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, आप लोग सुन रहे हैं जो स्प्रे की आवाज़ आ रही है। थर्मामीटर पर इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड का एम्बियंट टेम्परेचर है मेरे वर्कशॉप में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी मैंने आप लोगों को कंडेंसर का जो इनलेट टेम्परेचर है यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर जो टेम्परेचर वो आप लोगों को दिखाना है। सो ये आप दिख रहे हैं ये तकरीबन 58 या 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिस्चार्ज टेम्परेचर है, और अब कंडेंसर के आउटलेट पर अगर आप टेम्परेचर देंगे सो ये तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। इसका मतलब कि कंडेंसर में तकरीबन 20 डिग्री का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। सो इस वक्त सक्शन प्रेशर तकरीबन 5 PSIG, एम्पेयर इस वक्त 0.6 एम्पेयर, और अगर आप टेम्परेचर देख रहे हैं इस वक्त थर्मामीटर पर कैबिनेट के अंदर सो ये अभी तकरीबन -12 तक आ चुका है, और ये मज़ीद और भी जाएगा। तकरीबन अभी 1 घंटे का टाइम हो चुका है, मैं आप लोगों को घड़ी भी दिखाता हूँ। ये घड़ी पर आप तकरीबन देख लें 5:43, यानी तकरीबन कुछ कम 1 घंटे का टाइम हुआ है, और इस 1 घंटे में जो कैबिनेट का टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका है -12 तक। अब ये तकरीबन और भी -20 तक जाएगा। इवापोरेटर कैबिनेट में इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कूलिंग हो चुकी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।